खूबसूरत अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, एक नए डायरेक्टर की फिल्म, एक अच्छे जो करना चाह रहा था वो भी बिहार से और वो करना चाह रहा था ये फिल्म, सब लोग डर गए थे कि ये कैसे करेगा, लेकिन उससे बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। टाइटल कोर्ट यानी कोर्ट से रिलेटेड है, एक पक्ष होता है जो कोट नहीं पहनता है, उसको शौक होता है कि हाँ हम भी कभी कोट पहनेंगे और मेरी कोट में रिस्पेक्ट है, तो ऐसी सी कुछ है बात। ये तो ट्रेलर ही लॉन्च होता है, कहाँ के बारे में बात करें। आगरू और अरे अपने ही किरदार नहीं पता चला आज तक जिंदगी में, कोट का किरदार क्या होता है, जी रहा है अपने परिवार के साथ एक बंदा, आज के देश में जिस तरह की मुसीबतें, जिस तरह की चीज़ें, एक बाप को जो बेटे से उम्मीद होती है, ये सारी चीज़ें। सर एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इसमें दिखाई देंगे? हाय पूर्व मुख्यमंत्री जी वो भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो उन्होंने एक रोल उन्होंने भी किया है ना। अच्छा एक छोटे से रोल में ये बताया नहीं था। जी जी हम आप बताएंगे क्या किरदार आप पे आ रहा है। मेरा कैरेक्टर, मैं संजय जी की धर्मपत्नी का रोल निभा रही हूँ और विवान की माँ का नाम रोल निभा रही हूँ, और मेरे कैरेक्टर का नाम सिमुनिया है, और बेसिकली ये दलित कम्युनिटी की कहानी है, इसीलिए आज के दिन इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है क्योंकि बाबा अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस है और हम लोग सब इसको सेलिब्रेट करने आए हैं, इसीलिए ट्रेलर भी आज लॉन्च हो रहा है। और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, इसमें कि आप देखिएगा कि जो एक लड़का है वो कितनी मुश्किलों के बावजूद उसके जो सपने हैं उसको गिव अप नहीं करता है और अंत में अपने सपने पूरे करता है, तो यही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत कहानी है। बहुत सारे स्टेट में सिर्फ बिहार में ही नहीं है, लेकिन ये काली बिहार की है इसलिए ऐसा लगेगा कि इस स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में घुमाऊँगी। और अच्छी है कंटेम्प्रेरी फिल्म, खुद से कुछ करने की एक ललक है। क्या नहीं, एक एक्टर को अच्छा लगता है, पहले आप रोल मांगने जाते थे, अब आपके लिए रोल लिखा जा रहा है, तो ये कई तो कुछ है क्या मालूम है। ओके ओके बस ये एक बहुत 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 मेरे लिए महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस रहा मेरी ज़िंदगी में, सिर्फ एक कलाकार के दौर पे नहीं लेकिन एक इंसान के दौर पर। आई थिंक क्योंकि मैंने इस फिल्म में एक ऐसा किरदार निभाया जो मेरे तजुर्बे से बहुत ही बाहर है और जो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊँगा असलियत में, लेकिन अभिनेता का फ़र्ज़ होता है कि एक जो भी किरदार वो प्ले कर रहा है उसे सच्चाई, ईमानदारी और इज्जत से पेश करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है एक एक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है चाहे वो उसके तजुर्बे से बाहर भी हो, चाहे वो उसके हुलिए या उसके ज़िंदगी और उसके अपब्रिंगिंग से बाहर हो, एक्टर का काम होता है अपनी कल्पना और अपने ऑब्जर्वेशन और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ उस किरदार को जीवित करना, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस किरदार को प्ले करने में। माधव जो है, जो एक गरीब इंसान है, जो और ऊपर वाले की कृपा से मैंने कभी गरीबी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं की है, तो ये एक मेरा बहुत बड़ा फ़र्ज़ था कि मैं सच्चाई और ईमानदारी से इसे पेश करूं। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि एक बम्बई का लड़का एक बिहारी लड़के का किरदार का रूप निभा रहा है, ऐसे सच्ची में लगना चाहिए, आप लोग को बिलीव विश्वास होना चाहिए
कि असलियत में वो लड़का है। तो ये एक एक्टर का काम होता है कि वो इल्यूजन को कैसे क्रिएट कर पाए और वो इल्यूजन में थोड़ा सा सच्चाई कैसे डाल पाए और ईमानदारी कैसे डाल पाए। तो बेसिकली इस फिल्म की कहानी ये है कि एक संजय जी और मैं और सोनल जी, हम सब एक परिवार हैं जो बिहार में रहते हैं। तो हम सब सुअर चराने वाले लोग हैं बेसिकली, बहुत छोटे जात के हैं। और एक दिन जो लड़का है माधव, वो अपने पिताजी से बोलता है कि बाऊजी हमको कोट खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो उनके बाऊजी बोलता है कि यार हमारे खानदान में आज तक किसी ने कपड़ा नहीं खरीदा है नया, तू कोट के लिए मांग रहा है, चल भाग इधर से। तो वो बस वो जिद पकड़ के बैठे रहता है माधव कि मुझे कोट चाहिए। तो फाइनली पिताजी उनको जाके पुजारी के पास लेके जाते हैं, बोलते हैं कि इसका भूत चढ़ गया इसके सर पे, पता नहीं पागल हो गया है। तो फाइनली माधव अपने सपने को पूरे करने के चक्कर में अपना खुद का व्यापार, एक हैंडीक्राफ्ट्स का व्यापार, अपने दोस्तों को, अपने गांव वालों को, अपने सब साथियों को मिला जुला कर मेहनत करके वो अपना खुद का एक व्यापार खड़ा करता है जिसके थ्रू वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। वो या उसका सपना पूरा होगा या ना होगा वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी पता करने के लिए। लेकिन उसकी उसका जो ख्वाब है वो है एक कोट पहनने का। और आई थिंक इस कोट का महत्व शायद ये है कि डिग्निटी, इट इज़ अबाउट डिग्निटी, इट्स अ फिल्म अबाउट डिग्निटी एंड अबाउट अचीविंग योर एस्पिरेशंस इन लाइफ, उन्हें कैसे आप फुलफिल करेंगे, किस तरीके से, कितने मेहनत को आप डाल पाएंगे, कितने अपने खून जलाकर आप वो अचीव कर पाएंगे। ये फिल्म के मुद्दे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी विषयों को एक्सप्लोर करती है। लेकिन आई थिंक सबसे अहम मुद्दा और विषय ये भी है कि ये सामाजिक इनइक्वालिटी के बारे में है। बहुत, अरे इतना मज़ा आया उनके साथ काम करके, मैं बता ही नहीं सकता हूँ। संजय जी के साथ ये मेरी दूसरी सेकंड फिल्म है और इतना बेहद मज़ा आया, मतलब मैं तो पागल हो गया संजय जी के साथ सेकंड। हम लोग हंस हंस के इतना बहुत बहुत कमाल की स्पेशल दोस्ती यारी हमारी हो गई है। संजय जी एक ने सच्ची में इतना मुझे मेरा देखभाल किया इस फिल्म में, इतना सिखाया, इतना मुझे सीखने को मिला उनसे, खास करके जो बात करने के जो तरीके से, लहजे, जो बोली है, जो भाषा है इस किरदार की जो बिहार की है, संजय जी ने बहुत सिखाया, डायरेक्टर ने सिखाया। संजय जी वॉज रियली लाइक अ मेंटोर टू मी ऑन दिस फिल्म एंड आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव हिम एंड हाउ मच ही मीन्स टू मी। अकाल, मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज यहाँ देखने आया हूँ फिल्म कोर्ट का ट्रेलर देखने आया, जिसमें पूजा जी मेरे साथ हैं, इनके डायरेक्टर मेरे साथ हैं। बहुत ही प्यारी फिल्म देखी मैंने और मेरे इतने साल 30 साल के करियर में मतलब एक नए लड़के ने ऐसी फिल्म बनाई ये कोई सोच नहीं सकता। ऐसी फिल्म बनी है ये कि देखने जैसी फिल्म है। ये जब थिएटर में लगेगी तो सिल्वर जुबली क्या, गोल्डन जुबली क्या, 100 हफ्ते भी ये चलेगी और ये इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म कहलाएगी कोर्ट, इसका नाम है। नमस्कार, थैंक यू सर, चलिए आइए आप आ जाइए। बेसिकली पहली फिल्म है, इसके बाद सिया रिलीज हुई जो कि मेरी सेकंड फिल्म है। बट कोर्ट रिलीज़ होते होते 4-5 साल लग गए जो कि बहुत लंबा असर है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म काफ़ी अरसे के बाद रिलीज़ हो रही है और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनी हुई है जो कि जिसपे जो कि टॉपिक है कास्टिज्म, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग प्लीज़ जाके देखिए फिल्म और हम सबको सपोर्ट करिए। थैंक यू। मतलब लोगों को शिकायत होती है कि इस तरह की फिल्में नहीं बनती, क्या बोलते हैं, रीमेक बनती है, कुछ कॉपी बनती है। तो हमने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर देखेंगे तो शायद आपको भी पता चलेगा हाँ ठीक ठाक फिल्म है, अच्छी फिल्म। तो प्लीज़, ये कहानी रियल कहीं से इस बारों का ये कैसे कहानी है? कह सकते हैं, मैं जब घर पे था तो देखता था ऐसे ऐसे लोगों को, फिर लिखी आया मुंबई, तो कह सकते हैं इंस्पायर है किसी न किसी से। और बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है जिसमें राम बिरिश बेनीपुरी की चरवाहा फिल्म, मतलब कहानी ऐसी थी उसमें चरवाह, तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर है। बिहारी में क्या था, बिहार के अच्छे बिहार में क्या, मुंबई में भी शूट किया, बिहार में बाकी बिहार सारे प्रोड्यूसर के गाँव में किया और कुछ दिन मुंबई में। संजय जी को ऑन बोर्ड कैसे आया, संजय जी विमान जी? ये लंबी कहानी, मैं नया था तो कहीं कोई रेडी नहीं होता था, तो मैं विमान सर के ऑफिस में गया, स्क्रिप्ट देकर आया, फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर मिले, उनसे मैंने जब बात की तो वो कॉल लगाए विमान सर को और बोले कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ,
तो उनको अच्छा लगा, फिर हम मिले, बताए, फिर संजय जी को अप्रोच की, सब ने हाँ बोला। विवान जी कहानी पढ़कर उनको अच्छा लगा और फिर मीटिंग की, फिर वो हाँ। फिल्म में गाने वगैरह, संगीत वगैरह भी है? गाने तीन हैं इसमें, और एक मतलब कि कुछ रुक रुक के आए, दो गाने जो अच्छे हैं, एक वरदान सिंह के तसल्ली हो गया, वो बड़ा ही अच्छा गाना है। फिल्म थिएटर में आ रही है 26 मई को पूरे इंडिया में, मुंबई में, चरण हाँ, तो देखिए प्लीज़ जाकर। थैंक यू।